अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबास बेस्ट क्लासेस में गर्मियों में बॉडी को ठंडा रखने के लिए और एसिडिटी को कम करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल शरबत बनाना सीखेंगे। आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ग्लास पानी लेंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप मटके वाला पानी लें, यानी मटके में का पानी लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो हमने देखिए एक ग्लास ठंडा पानी लिया और इस ठंडे पानी में हम मिलाएंगे गुलकंद। एक टेबलस्पून हमको गुलकंद मिलाना है, यानी रोज़ पेटल जैम या फिर हम आम तौर पर जिसे गुलकंद कहते हैं वो मिलाएंगे। आपको तो पता है कि गुलकंद में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये एक नेचुरल कूलेंट है, गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे गर्मी से होने वाली थकन, खुजली, दर्द वगैरह, और एड़ियों और हथेलियों की जलन को भी ये दूर करता है। ये शरबत अगर आप दो खानों के बीच में लेंगे, जैसे सुबह और दोपहर के खाने के बीच में, तो या फिर दोपहर या शाम के खाने के बीच में अगर आप लेंगे तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देखिए हमने एक ग्लास पानी में एक टेबलस्पून गुलकंद मिला दिया, अब हम इसमें कुछ दो चीज़ें और मिलाएंगे। देखिए ये है सब्ज़ी के बीज, आपको तो पता ही है कि सब्ज़े के बीज कितने फ़ायदेमंद होते हैं। सब्ज़े के जो बीज होते हैं इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, इसमें जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, यानी हमारे हाजमे को इम्प्रूव करता है और ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो मैंने सब्ज़े के बीजों को भिगो कर रखा है, बस सब्ज़े के बीज लिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया तो इस तरह से फूल गए हैं वो। उसके बाद आप इसमें मिश्री डालिए, देखिए हमने क्या करना है, मिठास के लिए थोड़ी सी मिश्री इसमें डालना है। अगर आप शक्कर नहीं खाते हैं तो आप मिश्री को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मिश्री भी बड़ी बेनिफिशियल होती है, ये गर्मियों में दिमाग को ताज़ा और रिफ़्रेश रखती है और स्ट्रेस को कम करती है, दिमाग की थकन को भी ये दूर करती है। तो मिश्री के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हमने एक ग्लास पानी में एक टेबल स्पून गुलकंद डाला, फिर उसके बाद हमने इसमें मिठास के लिए थोड़ी सी मिश्री ऐड की और मिश्री डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून भीगे हुए सब्ज़ी के बीज। ये सिंपली सब्ज़ी के बीज हैं जो हमने पानी में भिगो कर रखे थे। तो बस सब्ज़ी के बीज इसमें डालिए, इसे मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद बस इसे पी लीजिए। अगर दो खानों के बीच में अगर आप इसे पियेंगे तो आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये है ना बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त शरबत, इसे गर्मियों में ज़रूर पिए, इफ्तार में पिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो कहिए कैसा लगा आपको यह शरबत, और हाँ आप इसे सिंपल बिना सब्ज़ी के बीज के भी पी सकते हैं, बस एक ग्लास मटके का पानी लिया फिर उसके अंदर गुलकंद डाल लिया और पी लिया, इसी तरह से आप पी सकते हैं, या फिर मिठास के लिए आप इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं। तो इस दो तरह से आप इसे पी सकते हैं, या तो सब्ज़ी के बीज डालकर पीए या फिर आप बिना सब्ज़ी के बीज डालकर भी सिंपली पानी में गुलकंद डालकर भी पी सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। Thanks for watching Sabah's Best Classes.